तीन जिंदगी। क्या कहना चाहती हो? अरहम और माही एक दूसरे को पसंद करते, ये घर इस घर का सुकून और बच्चे सब बर्बाद हो जाए। मेरा काम ही भरोसे का है, अगर यही तोड़ दिया तो कारोबार कैसे चलेगा? गुड, अब तुम्हें उनके घर में रहकर उनके दिल जीतने होंगे। वो मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं थे, उसे मेरी कदर ही नहीं थी। मोहिताहा का बदतमीज, बेवफा और खुदगर्ज इंसान है वो, मेरा कुछ नहीं लगता। सुना तुमने? कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। आपको पुलिस वाले ने क्यों बुलाया है? मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? कुकम जी, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन आप जानती हैं कि ऐसे मामलात में कुछ वक्त लग ही जाता है। कोई मसले की तो बात नहीं है ना, सब खैर खैरियत है ना? कुकम जी, ये तो थाने जाकर ही पता चलेगा। सफदर ने कुछ बयान तो दिए, उसी सिलसिले में मुझे बुलाया है। बयान? कौन से बयान देना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है? मैंने कहा ना कि ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। वो एक नंबर का झूठा है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है, मुझ पे इल्जाम लगा सकता है, मेरे किरदार पे इल्जाम लगा सकता है, लेकिन आप उसकी किसी बात पे भी यकीन मत कीजिएगा, बहुत झूठ बोलता है वो। आप खाम खाई घबरा रही हैं भाई, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? मैं डर थोड़ी रही हूँ, मैं तो आपको समझा रही थी कि उसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा, एक नंबर का झूठा इंसान है वो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप भी साथ थाने चलना चाहें तो चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप चली जाएं, लेकिन एक काम कीजिएगा, वहां से आकर मेरी बेटियों को कुछ मत बताइएगा आप, जो बात करनी है मुझसे अकेले में कर लीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। वो फिर से बाहर तो नहीं आएगा ना? अगर वो बाहर आ गया तो मुझे जान से मार देगा। कुकब जी, पुलिस वाले ने बताया तो था कि उसने कोई अच्छा वकील कर रखा है। अब अगर हमें उसे लंबी सजा दिलवानी है तो कोई बड़ा वकील तो हमें भी करना ही पड़ेगा, वरना मसला हो सकता है। खैर, आप परेशान ना हो, मैं थाने से होके आता हूँ, फिर बताऊंगा कि करना क्या। अगर सफदर ने इसे सब बता दिया तो मैं कैसे इसका सामना करूंगी, क्या झूठ बोलूंगी, कैसे बचूंगी अपनी मासी से? कोकब जी, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। जी अच्छा, आ रही हूं। आपने क्या सोचा कल रात वाली बात के बारे में? इतनी बड़ी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती मैं आपको, मुझे तो खुद कल रात को पता चला, वो भी माही ने बातों बातों में बता दिया। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत देर हो चुकी है आफिया, रिश्ता तक तय हो चुका है, क्या कहूंगा मैं? और जमशेद मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। मनाना पड़ेगा आशे, खुद सोचिए, अगर ये बात कल को खुल जाएगी तो वो आपसे शिकवा करेंगे, वो अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ना? कौन से ऐसे वालदैन होंगे जो अपने औलाद की खुशी नहीं चाहेंगे? अकलमंदी इसी में है कि इस फैसले को वक्त से पहले बदल दिया जाए। सोच रहा हूँ उसे कैसे कायल करूंगा। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं बात कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बात करना मुनासिब नहीं होगा, मैं ही उससे बात करके देखता हूँ। जैसे आपकी मर्जी।
आज बात करेंगे या कल बात? क्या हो गया है आफिया, कल रात को ही तो तुमने जिक्र किया है। मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। अब इतनी बड़ी बात है, ऐसे तो नहीं होता कि तुम मुंह से निकालोगी और मैं फौरन जाकर बात कर लूंगा। That's not nice. मैं आपसे कोई भी बात करती हूँ आप भड़क जाते हैं। कहा है मैंने जैसे मर्जी हो वैसे कर लीजिएगा, लेकिन ये प्लीज टेंशन मत लिया करें। अच्छा बाबा, मैं मुनासिब वक्त देखकर बात कर लूंगा। खुश, आप सब मैनेज कर लेंगे, मैं जानती हूँ। आप बस रिलैक्स रहा करें ना, ऐसे टेंशन नहीं लिया करें। शाम को इंतजार मत करना। मतलब अब कुछ ही दिन बाकी है। हाँ, चंद दिनों में शादी हो जाएगी। बस माँ, एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर कर लेती, वक्त और मेहनत दोनों ही जाया हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं शादी के बाद कंटिन्यू रखूंगी। और अगर तुम्हारे हस्बैंड ने इजाजत ना दी तो क्या करोगी तुम? पे क्या होगा, हमारी माशरे की औरतों की तरह मैं भी सब्र और शुक्र करूंगी। ये सारा उस धोखेबाज का कसूर है। अगर वो रंग ना बदलता तो आज ये सब ना होता। अनीला, तुम्हें कहा था ना इस टॉपिक पे बात नहीं करना। क्यों ना करूं बात, वो मेरी दोस्त की जिंदगी उजाड़ गया और मैं उसका नाम भी ना लूं, मैं तो उसे बददुआएं भी दूंगी। अनीला प्लीज चुप कर जाओ। क्यों चुप करूं? अल्लाह करे जो उसने बिस्मा के साथ किया है उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। अल्लाह ना करे जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कभी उसके साथ ना हो। ये तुम बोल रही हो, उसने जो तुम्हारे साथ किया वो सब भूल गई तुम? सब कुछ याद है, सब कुछ, एक एक बात याद। जब भी चाहती हूँ जो कुछ मेरे साथ हो रहा उसके साथ कभी ना हो। जब दिल टूटता है ना तो बहुत हसीयत होती है। तेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत थी। मैं नहीं चाहती कि उसकी किस्मत भी मेरी जैसी हो। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, जहां पर भी रहे हम बात रहे खुश रहे। तुम लोग ये जूसेस तो पियो। अरे कुकब जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपको कहा था ना कि वो मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा, वो झूठ बोलेगा और वही किया उसने। वो किसी का भी सगा नहीं है। सच पूछें कोकब जी तो मैंने भी उसकी किसी बात पे भी भरोसा नहीं किया, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी कसमें खा रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोलता, ये वो, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात पर कान नहीं धरा। हमेशा से उसने ऐसे ही किया। तलाक से पहले भी वो मुझे बहुत मारता था और लोगों के सामने झूठी कसमें खा कर सच्चा बन जाता था। बहुत जुल्म किया उसने मुझ पे, लेकिन मौत बेचारी को किसी ने भी सहारा नहीं दिया। अच्छा आइए आप बैठिए, आइए। कोकब जी, आपकी कोई मदद करे या ना करे लेकिन मैं जरूर करूं। मुझे आप पर और आपके माजी पर कोई शक नहीं,
अगर आपसे कोई गलतियां हुई भी हैं तो जाओ, हर इंसान को अपनी जिंदगी मर्जी से जीने का हक है, और बस जिंदगी तो इसी का नाम है ना कोकब जी, हम फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, और भूल चूक तो सभी से ही होती है, शायद मुझसे भी कभी ना कभी हुई हो। आपसे एक दरख्वास्त करनी है, आप इस राज को राजी रखिएगा, ये राज मेरी बेटियों तक नहीं पहुंचना चाहिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप यकीन कीजिए कि आपका ये राज मेरे सीने में हमेशा ही दफन रहेगा, ये वादा करता हूं मैं। आप तो सचमुच फरिश्ता हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे फिर शर्मिंदा कर रही हैं। कोकब जी, शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है, और मैं तो आपका अपना ही। ठीक कह रहा हूं मैं कोकब जी। आप तो मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं यहां पर, बस तुम वक्त पर खाना खाना, सोना वक्त पर, और आप एक्सरसाइज पर जरूर जाना, जान है तो जहान है, मेरे पास तो यहां सब मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुम्हें वहां देखने वाला कौन होगा, बस मुझसे वादा करो कि अपना बहुत ख्याल रखोगे, मैं तो अपने अल्लाह से हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ कि तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, हर दुख परेशानी से तुम्हें महफूज रखे। नहीं नहीं, रो थोड़ी रही हूँ मेरा, आप बस दिल भर आया। ठीक है, खुदा। छोटे साहब का फोन आया होगा तभी आपकी आंखें भर आई हैं। सब खैरियत तो है ना बाजी? क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं मैं? क्या करोगी तुम? जरूरी तो नहीं कि हर बात तुम्हें बताई जाए। बस ऐसी बाजी, आपको दुखी देखा तो सोचा आपका दुख बांट लूं। अच्छा, मेरा दुख बांटना चाहती हो? बहुत दुख हो रहा है ना तुम्हें, तो फिर रो मेरे साथ बैठ के, आओ मेरा दुख बांटो। जी जी क्या? हाँ, जिसके दिल पर गुजरती है वही जानता है, बाकी सब तो दिलासे देने आ जाते, मगर तमाशा देखने वाले ज्यादा लोग होते। माफ करिएगा बाजी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। क्या यूं ही? जाओ अपना काम करो, हर बात में टांग मत अड़ाया करो। जी आंटी, मैंने आपको बताया था ना कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। चलो अब तो माशाल्लाह से वो ठीक है ना, आते जाते रहा करो, मुझे भी तुम अपनी अम्मी समझो। जी आंटी, क्यों नहीं, वैसे मुझे इरज ने बताया था कि आपने इनकी मदद कैसे की थी, सच पूछें तो मुझे हैरत भी हुई थी और खुशी भी। हैरत इस बात की कि आजकल के दौर में कोई अजनबी किसी की इतनी मदद कैसे कर सकता है, और खुशी इस बात की कि अभी नेक लोग बाकी रह गए। इंसानियत के नाते जो भी मुझे ठीक लगा वो मैंने किया, और मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करता जो मैंने किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। आपने देखा था कितने लोग जमा हो गए थे, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई सिवाय आपके। अरहम,
आप जितनी भी इनकी तारीफें कर लेना ये नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी यही खासियत है कि अपने किसी बात का क्रेडिट लेते ही नहीं है। अच्छे लोगों की यही निशानी होती है। वैसे अब आप इस घर में रहेंगे तो कम से कम इस घर को कोई बुरी नजर से नहीं देखेगा। कोशिश तो मेरी यही होगी कि इन्हें कोई परेशानी ना होने दो, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। अच्छा, वो पुलिस का मामला आप देख लेंगे या मैं खुद हैंडल कर? अरे नहीं बेटा, तुम रहने दो, अपना ऑफिस और बिजनेस देखो, ये अच्छे से सब हैंडल कर, जरूरत होगी तो तुम्हें बता देंगे। ये ठीक कह रही है, मैं हैंडल कर लूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अब बेटा आप चाय और बिस्किट लीजिए ना। बिस्मा, आपने तकलीफ कर रही है, मैं खुद ले लेता हूँ, बल्कि इरज आप प्लीज इस प्लेट में डाल दें। जी, इसमें डाल दें। बेटा दोबारा कब आओगे? आंटी कल परसों तरसों, जब जब वक्त मिलेगा मैं आऊंगा। अब तो आप सब मेरी फैमिली की तरह ही हैं, खुशी से आऊं। ये की ना अपनों वाली बात, आपके आने से हमें भी बहुत खुशी होगी, और मेरी इरज बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप बेटा किसी दिन आओ, कोफ्ते तो बहुत ही मजे के बनाती है। जबरदस्त, फिर तो आना पड़ेगा। हाँ जरूर बच्चा, ये लो ना। आशिर ये नहीं हो सकता, हम माही और मेहराब का रिश्ता तय कर चुके हैं, ये नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। देखिए अगर मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पास कोई वजह तो होगी। कोई भी वजह हो, मैं अपनी बेटी की शादी मेराब के बजाय अरहम से हरगिज नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। लेकिन आपके इस फैसले से आपकी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। जब शेख भाई आप जरा समझने की कोशिश तो करें, मैं जो फैसला कर रहा हूँ आप ही की बेटी की खुशी के लिए तो कर रहा हूँ। आशिर साफ साफ कहो, जो कुछ कहना है पहले ना बुझाओ। माही और अरहम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? ये बात मेरे इल्म में भी नहीं, वो तो आफिया और इन्हें बात की तो माही ने बताया, वरना हम बहुत गलत कदम उठाने जा रहे थे जमशेद भाई। और अगर हमारे बच्चों की खुशी इसी में है तो हमें भी उनके लिए खुश होना चाहिए। मेराब और अरहम में बहुत फर्क है, मेराब जितना सुलझा हुआ और सीधा लड़का है, अरहम उतना ही बिगड़ा हुआ टेढ़ा लड़का है। आशिर माजरत से, लेकिन यह आपकी गलत फहमी है, मुझे अरहम के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। अरे दिन रात वो दफ्तर में रहता है, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको यकीनन किसी ने मिसगाइड किया है। दोनों ही मेरे हाथ में खेले हैं, मेरे सामने ही जवान हुए हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन कैसा है और कैसा नहीं। जमशेद भाई अरब में कोई ना कोई कमियां जरूर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। अगर हम कोई कदम नहीं उठाते ना, खुदा ना खास्ता वो खुद कोई कदम ना उठा लेते।